तो हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस ट्यूटोरियल वीडियो में। तो मेरा नाम है रिवक्षी और आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि गाइज इस मंथ में बहुत लोगों के ऐसे कमेंट आए थे कि भैया मुझे खेसारी लाल के जैसा डांस करना सिखाइए, कमर का कुछ डांस स्टेप बताइए जिससे हम किसी भी भोजपुरी गाने पे कर सके। तो गाइज जैसा कि आपने स्टार्टिंग में जो डांस देखा, आज के इस वीडियो में आपको यही स्टेप्स बहुत ईजी तरीके से बताने वाला हूँ जिससे कि आप बहुत ईजिली इस पूरे डांस स्टेप को, जब तक ये वीडियो चलेगा, बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए और इसे स्टेप्स को सीखने में आपको काफी मजा आने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इसे चलिए एक बार फिर से हम इस डांस को म्यूजिक पे देखेंगे एंड इसे स्टेप्स को सीखना स्टार्ट करेंगे। तो गाइज इस पूरे स्टेप को सीखने के लिए आपको सबसे पहले अपने दोनों लेग्स को इस तरह से ज्वाइन करके खड़े हो जाना है, और सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपने बॉडी को जंप करेंगे इस तरह से, ओके। एंड जब जंप करेंगे गाइज तो हम अपने लेग्स को फोल्ड करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे पहले आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना है, इससे आपका बॉडी का वार्म अप भी हो जाएगा और आप इस स्टेप्स को आसानी से कर भी पाएंगे, ठीक है। इस डांस को करते समय आपको सबसे पहले स्टेप्स को इस तरह से करना है। यहाँ पे हम जंप करेंगे और सबसे पहले लेफ्ट जाएंगे एंड फिर से यहाँ जंप करेंगे एंड राइट जाएंगे। एंड गाइस जब जंप करके हम अपने बॉडी को ड्रॉप करेंगे तो आपको क्या करना है, अपने लेग्स को थोड़ा सा ऐसे बैंड हो जाएगा, हमारा जो लेग्स है थोड़ा बैंड होगा इधर से। 1 2 ओके, इस तरह से। सबसे पहले आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना है, दो स्टेप लेफ्ट एंड राइट आपको जंप करना है। 1 स्टॉप एंड 2 ओके, ये स्लो करना है एंड अगेन आपको फिर से करना है, बट इस टाइम फास्ट करेंगे, ठीक है। 1 2 ओके, 1 2 एंड 1 2 सब। एंड गाइस इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट लेग को हम ऐसे फोल्ड करेंगे पीछे की साइड इस तरह से, एंड आपको यहाँ से क्या करना है, लेफ्ट लेग से ऐसे एक किक करना है। जैसे मान लीजिए कि आप फुटबॉल रखा हुआ है तो उसे आप कैसे हिट करेंगे, ऐसे इस तरह से किक करेंगे, तो बिल्कुल आपको वैसे ही करना है लेफ्ट लेग से। जैसे यहां तक हमारा लेग आएगा, यहाँ पे किक करेंगे, लेग यहाँ पे आएगा तो हम इसे ऊपर उठाएंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे एंड इसे पीछे लेकर आएंगे, ओके। यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, अगर आप यहाँ पे सीख जाएंगे तो इस पूरे स्टेप्स को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। एक बार फिर से करते हैं, यहाँ से आपको क्या करना है, लेफ्ट लेग को फोल्ड करना है पीछे की साइड, यहाँ से ऐसे किक करेंगे, हमारा लेग यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पैर को उठा के पीछे रखना है, और जब यहाँ से पैर को उठा के पीछे रखेंगे तो इस टाइम पे आपको क्या करना, जो हमारा राइट लेग है इसे उठा के आगे रखना, इस तरह से। लास्ट हमारा ये होता है यहाँ पे एंड यहाँ से 1 एंड 2 ओके, 1 एंड 2 ओके गाइज, एक बार स्टार्टिंग से यहां तक करेंगे फिर से। चलिए 5 6 7 को रेडी, 1 2 एंड 1 2 3 एंड 4 एंड जब यहां से लेफ्ट लेग को किक करेंगे थोड़ा एनर्जेटिक करेंगे, 3 एंड 4 ओके। तो लास्ट पोजिशन हमारा यहाँ पे ये स्टेप करने के बाद ये आता है एंड इसके बाद आपको क्या करना है कि जो पैर हमारा पीछे है इसे ऊपर उठाएंगे इस तरह से, ठीक है, एंड इसे रखेंगे हम अपने आगे वाले पैर को उठाएंगे, सिंपल है बिल्कुल। इस तरह से लास्ट पोजीशन हमारा ये रहता है, यहाँ से 1 एंड 2 इसमें जो हमारा पैर पीछे है इसे ऊपर उठाएंगे एंड इसे रखेंगे तो हम अपने आगे वाले पैर को ऊपर उठाएंगे, ओके। इस तरह से सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना है, 1 2 3 एक पैर रखेंगे दूसरा उठेगा, दूसरा रखेंगे पहला पैर ऊपर उठाएंगे, ओके, इस तरह से। और जो पैर को उठाएंगे, जो पीछे वाला पैर है उसे आपको इस तरह से आगे लेकर आना है उठा के, एंड जैसे ही इसे रखेंगे तो हम अपने आगे वाले पैर को थोड़ा सा ऐसे मोड़ देंगे, हमारा हील जो है थोड़ा सा आगे की साइड आएगा, ठीक है, एंड फिर से इसे रखेंगे तो इस तरह से 1 ओके 2 3 4 5 6 7 8 ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसे पहले आपको इसमें लेग मूवमेंट को प्रैक्टिस कर लेना है, देन हम इसे कमर के साथ इस तरह से करेंगे। जैसे हम अपने पीछे वाले पैर को उठाएंगे यहाँ पे तो हम अपने कमर को थोड़ा सा आगे लेकर आएंगे इस तरह से, ओके, एंड जैसे ही रखेंगे हम अपने पैर को, पीछे वाले पैर को रखेंगे हम अपने आगे वाले पैर को उठाएंगे और कमर को थोड़ा सा आपको ऐसे पीछे की साइड लेके आना है, इधर लेफ्ट साइड में हमारा कमर थोड़ा सा बाहर आएगा, ओके, एंड फिर से रखेंगे हमारा कमर आगे आएगा, फिर से पीछे वाले पैर को रखेंगे कमर पीछे, ओके। तो इस तरह से कमर के साथ हम करेंगे इस स्टेप को, 1 2 3 4 5 6 7 8 साथ में जो हमारा हैंड है, जैसे आगे वाले पैर को हम ऐसे रखते हैं, पीछे वाले पैर को जैसे उठाएंगे तो हम अपना हैंड को राइट साइड लेकर जाएंगे, पीछे वाले पैर को रखेंगे हैंड को लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे, ओके। 1 2
थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। एंड गाइज जितना करने के बाद आपको इसे इस तरह से करना है कि आपको क्या करना है, इसमें जो पैर हमारा पीछे है और कमर को पीछे लेके जाते समय हमें एनर्जी लगाना है, थोड़ा सा एनर्जेटिक करना है। आगे रखेंगे नॉर्मल, पीछे रखेंगे थोड़ा सा झटके से रखेंगे, एनर्जी लगाएंगे, ठीक है। वन टू थ्री फोर, और आपको इसमें कमर मूवमेंट ये करना है कि पूरा आगे लेके आना है कमर को एंड पीछे लेके आना है, ठीक है। जितना अच्छे से आप कमर मूवमेंट करेंगे उतना ही बेहतरीन आप इस स्टेप्स को कर पाएंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से करते हैं, चलिए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। इसे आपको क्या करना है, इसमें एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं कि आपको इसे दो दो बार करना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ये कैसे होगा, हम जब जैसे दो दो बार स्टेप को करेंगे तो जो पहला करेंगे उसे नॉर्मल करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल एंड एनर्जेटिक करेंगे, नॉर्मल एनर्जेटिक नॉर्मल करेंगे एंड एनर्जेटिक करेंगे। वन टू, फर्स्ट स्टेप में हमारा लेग आगे का थोड़ा सा उठेगा एंड सेकेंड टाइम पूरा करेंगे, एनर्जेटिक करेंगे सेकेंड टाइम। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन एट। ओके गाइज, इसे एक बार फिर से काउंट पे करेंगे एंड इसे धीरे धीरे थोड़ा फास्ट करेंगे एंड इसे म्यूजिक पे करेंगे एंड इसे स्टेप्स को खत्म करेंगे। ओके ठीक है, फिर से करते हैं इसे काउंट पे स्लो में एंड इसे फास्ट करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। ओके एक बार स्टार्टिंग से यहां तक करेंगे, चलिए। वन टू एंड वन टू थ्री एंड फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। थोड़ा सा फास्ट करेंगे एंड इसे फिर म्यूजिक पे करेंगे। ओके फिर से करते, चलिए। फाइव सिक्स सेवन, गो रेडी। वन टू थ्री एंड फोर एंड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। ਕਾਹੇ ਕੋ ਮੈਂ ਜਿਪਾਨਾ ਚਲੂ ਇਸ